नमस्कार, स्वागत है आपका आज मीडिया ग्रुप के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद दानिश। मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र के काशीपुर तराहा क्षेत्र में बीते दिन 17 जुलाई को टेलर का कार्य करने वाले सलीम पुत्र इंतजार उर्फ भोरा की पेचकस से हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद मृतक के परिजनों ने एक शकील नाम के युवक पर हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी थी। पुलिस ने जब इसकी छानबीन की तो पुलिस को पता लगा कि एक नशेड़ी ने सलीम की हत्या की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आरोपी के पास से हत्या में शामिल पेचकस भी बरामद किया गया है। थाना कटघर क्षेत्र का रहने वाला सलीम टेलर का कार्य करता था। 17 जुलाई को सलीम प्रेम बंडरलैंड पुल के नीचे फोन पर बात कर रहा था, तभी वहां से नसीम उर्फ लल्ला, जो नशे का आदी है, गुजर रहा था। उसी बीच नसीम को लगा कि मृतक युवक तेज आवाज में गालियों के साथ उससे बात कर रहा है। उससे नाराज होकर आरोपी नसीम ने उसकी पेचकस से हत्या कर दी। जबकि परिजनों का आरोप था कि मृतक सलीम के शकील नाम के व्यक्ति की पत्नी से अवैध संबंध थे, जिसके चलते उसकी हत्या शकील ने की है। लेकिन पुलिस ने जब छानबीन की तो पता लगा कि घटना को नसीम नाम के युवक ने अंजाम दिया है। वहीं इस घटना का खुलासा करते हुए एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया, सीओ कटघर डॉक्टर अनूप सिंह ने संयुक्त रूप से बताया। ये 17 जुलाई की शाम को थाना कटघर क्षेत्र में चौकी काशीपुर तेरा क्षेत्र में जो पुल है, पुल के नीचे एक व्यक्ति घायल अवस्था में मिला था, जिसको अस्पताल ले जाया गया और वहाँ पहुँचने तक उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके घर वालों से उस दौरान जब बात की गई तो उनका एक शकील नाम के व्यक्ति पर ये संदेह था कि ये मृतक उसकी पत्नी से बात करता था और इसको लेके शकील इससे रंजिश रखता था और शकील ने उसकी हत्या की है। और इसी आशय की इन्होंने एक तहरीर दी थी, जिस पर थाना कटघर पर धारा 302 में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें बहुत ही गहराई से क्षेत्राधिकारी कटघर, उनके नेतृत्व में इंस्पेक्टर कटघर, उनकी पूरी टीम ने काम किया और अन्य इसके जो पहलू थे उन पर भी जब जांच की गई, उसकी CDR मृतक की ली गई, तो इसमें एक नई बात निकल के आई। एक व्यक्ति जो नशा करने का आदी है, जिसका नाम नसीम उर्फ लल्ला है, जो बरवारा मजरा थाना कटघर का रहने वाला है, वो वहाँ से उस समय ये जो मृतक है वहाँ खड़ा होकर उस समय किसी से बात कर रहा था और उससे कुछ गाली गलौज कर रहा था, जैसा कि इसने पूछताछ में बताया। इसको लगा कि ये हमको गाली दे रहा है। जब ये उसके पास गया ये, तो इस उसका वहाँ विवाद शुरू हो गया। उसी विवाद में, क्योंकि ये नशेड़ी किस्म का व्यक्ति है, इसने अपने जेब में कोई इसके पास पेचकस नुमा कुछ हथियार जैसी कोई चीज़ थी, जिसका ये लोग अमूमन नशे इत्यादि में भी प्रयोग करते हैं, इसने उस पर उससे वार किया उसके सीने पर, जो संभवतः उसके वाइटल कोई ऑर्गन उससे डैमेज हुए और इसमें इसकी मृत्यु हो गई। ये उस मृतक का मोबाइल वहाँ से लेके दिल्ली चला गया और बाद में जब इसको पता लगा कि उसमें किसी अन्य शकील नाम के व्यक्ति को नामजद कर दिया गया है, तो ये रिलैक्स हो गया। और लेकिन पुलिस अपने उस पर मुस्तैदी से कार्य करती रही और इसको गिरफ्तार किया गया, इससे पूछताछ की गई। तो इसने इस घटना में इकबाल किया है कि इसने ही ये घटना की है। हालांकि उस मृतक का मोबाइल अभी इसने बताया कि कहीं दिल्ली में गिर गया था, उसको रिकवर करने का भी प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार इसमें जो नामजदगी थी वो सही नहीं पाई गई और ये दूसरा व्यक्ति जिसने वास्तव में वो घटना की थी उसकी गिरफ्तारी की गई। पुलिस द्वारा अभियुक्त नसीम उर्फ लल्ला से पूछताछ करने पर उसने अपने जुर्म को इकबाल करते हुए बताया कि वह नशा करने का आदी है तथा अक्सर नशा करने के लिए प्रेम बंडरलैंड पुल के नीचे से ही जाता था। घटना के दिन भी वह अपने घर जा रहा था कि तभी पुल के नीचे मृतक सलीम मोबाइल पर किसी से तेज आवाज में बात करते हुए गाली गलौज कर रहा था। उसने समझा कि वह उसे गाली दे रहा है, इसलिए उसने मृतक सलीम के पास जाकर उसे गाली देने से मना किया। इसी बात पर दोनों का विवाद हो गया और नसीम ने अपनी आंट से पेचकस नुमा औजार को निकाल कर उस पर 2-3 बार किए, जिससे सलीम की मौके पर ही मृत्यु हो गई। साथ ही नसीम सलीम का मोबाइल उसके हाथ से लेकर दिल्ली भाग गया, जहां उसकी जेब से मोबाइल दिल्ली में ही कहीं गिर गया था। उसे जानकारी मिली थी कि सलीम की हत्या के संबंध में उसके परिजनों द्वारा शकील नाम के व्यक्ति को मुकदमे में नाम दर्ज किया है, इसलिए वह दिल्ली से वापस आ गया और निश्चिंत हो गया था।
हालांकि पुलिस ने असली गुनहगार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। शहर और राज्य की हर छोटी और बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए आज मीडिया ग्रुप के साथ। धन्यवाद।